47 साल के नीरव मोदी मुंबई के रहने वाले हैं। बेल्जियम में पले बढ़े नीरव ने भारत आकर अपने अंकल के साथ डायमंड ज्वेलरी का कारोबार सीखा। नीरव ने नीरव मोदी ब्रांड नाम से अपना डायमंड ज्वेलरी का कारोबार शुरू किया और 16 स्टोर खोले। कारोबार दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, हांगकांग, लंदन और मकाओ तक फैला। नीरव का स्टोर आर्गायल गुलाबी हीरे के लिए भारत का इकलौता डिस्ट्रीब्यूटर है। प्रियंका चोपड़ा इनकी ज्वेलरी की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है। साल 2017 में भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में फोर्ब्स ने इनका नाम 85वें नंबर पर रखा था और नीरव की कुल $2.25 अरब की संपत्ति है। खबर आने के बाद पीएनबी के शेयर की वैल्यू में करीब 3,900 करोड़ की कमी आई। डायमंड कारोबारी नीरव मोदी और उसके सहयोगी पीएनबी के मुंबई में स्थित एक ब्रांच से LOU लेते थे। LOU यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ये एक बैंक का किसी ग्राहक को दी गई गारंटी है। अब ग्राहक अगर किसी लेन देन को पूरा नहीं कर पाते हैं तो बैंक अपने ग्राहक के बदले पूरी रकम चुकाने की गारंटी देता है। इसी आधार पर उन्हें विदेशों में दूसरे बैंकों से आसान शर्तों पर उधार मिल जाता था। ऐसे में कर्ज लेकर विदेश में माल खरीद कर उसे भारत भेजा जाता था, यहाँ प्रोसेसिंग होती थी और फिर सामानों को आखिर में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। अब आरोप ये है कि LOU फर्जी थे और इस तरह उसके आधार पर लिया गया कर्ज भी फर्जी था। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।